afternoon, everyone. Ma'am. Today we will do our book number 1, page number, open page number 144, everyone. Chapter money आपका चल रहा था बेटा. मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ मनी. ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करना आपको और सिखा देती हूँ एक बार. मान लीजिए सपोज यू हैव टू मल्टीप्लाई रुपीज 15.50 बाय 4. ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है. तो आप एक बार इस पॉइंट को भूल जाइए कि ये पॉइंट भी कुछ है. 15 रुपीज 50 पैसे को 4 से मल्टीप्लाई करना है. तो आप भूल जाओ कि यहाँ पे कोई डॉट भी है. आप सिंपल इसको लिख दीजिए 1550. ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 4 से. ठीक है, 4 0s are 0. Who will give me answer? राघव सिंघल, माइक ऑन कीजिए. माइक ऑन करो बेटा. चश्मे. हाँ बताओ मुझे, 4 का टेबल आता है ना? 5 20 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
ठीक है, 21 22 का आप 2 यहाँ लिखेंगे एंड 2 विल बी कैरी, ठीक है। अब 4 वंजा की बारी आ गई, 4 वंजा 4, 4 वंजा 4, 4 एंड 2 6, 4 में 2 ऐड किया तो 6, ठीक है। नाउ हेयर इज 6200, लेकिन अब हमारा टाइम आ गया कि हम इस डेसिमल का यूज करेंगे, ठीक है। आप अपने राइट हैंड साइड से काउंट कीजिए कितने नंबर के बाद डेसिमल है, 1 2, दो नंबर के बाद डेसिमल लगा हुआ है ना, तो आप भी यहाँ से दो नंबर लेके छोड़ के और यहाँ डेसिमल लगाएंगे। यू हैव टू पुट अ डॉट लीविंग टू टू प्लेस फ्रॉम योर राइट हैंड साइड। देखिए आफ्टरनून एवरीवन, ये आपका आंसर आ गया है। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 75 रुपीज 75.50 बाय 5। यस गीतांजलि, कैन यू आंसर? इसका पॉइंट बोला था, इसको करेंगे बाय 5 से। यस गीतांजलि बोलो बेटा, 5 0s are 0, 5 5s are 25. 25 का 5 यहाँ लिखेंगे एंड 2 विल बी कैरी हियर। 5 5s are 25 में 2 ऐड कीजिए बेटा, 26, 27 का 7 यहाँ लिखेंगे, 2 विल बी कैरी। 35 में 2 ऐड कीजिए, 37, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे देवांगी उपाध्याय, यस मैम, इसमें डेसिमल कहाँ लगेगा बताओ, पॉइंट कहाँ लगेगा? मैम 37 50 के आगे। हाँ, यहाँ से दो नंबर आपको काउंट करने हैं अपने राइट हैंड साइड से, दो के बाद पॉइंट है ना, तो आपको आंसर में भी राइट हैंड साइड से दो नंबर छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगाना है। 377 rupees and 50 paise इज द आंसर। ओके चलिए एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.4 ले लेते हैं अब हम। ओके मैम,
और इसका आंसर के लिए उत्कर्ष धाकड़ को मैं बुलाऊंगी। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है उत्कर्ष जी, रुपीज 16.40 बाय 7। तो आपको इसे लिखोगे कैसे, 1640 मल्टीप्लाई बाय 7। आप देखिए 7 को एक बार 0 से, फिर 4 से, फिर 6 से, फिर 1 से। यस उत्कर्ष बेटा, 7 जीरोस आर 0, वेरी गुड। एंड 7 फोर्स आर, अपने आप बोलते जाओ, 7 फोर्स आर 28 का 8 आप यहां लिखेंगे एंड 2 विल बी कैरी। नेक्स्ट नेक्स्ट 4 7 7 6 आर 7 6 आर 42 You will write here 44 and 4 will be carry. Next. And 7 1 plus 7. 7 and 4. 7 and 4, 11. Very nice. And where you will put a decimal? Ma'am. From right hand side we will count two digits, 1, 2, and you will put a point right here. Ma'am, 80 ke aage. Very nice. And the answer is rupees 140.80 paise. ठीक है? इसका ही एक बी पार्ट मुझे बताएंगी देवांगी। रुपीस 21.34 by 3। इतना डिस्टरबेंस है माइक में, ओ माय गॉड। बहुत डिस्टरबेंस कैसे आ रहा है बेटा, चलो दोबारा से बताओ, ट्राई करो एक बार। यस बेटा बोलो। मैम 30 का 0 3 3 का 9 3 7 का 21 का 1 2 विल बी कैरी। 3, 2, 4, 6, 10, 2, 8, 8 and decimal 1, 9, 8, 1, 0, 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
बताएंगे रूबल गर्ग। रूबल तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। यस मैम। यस डियर रूबल। रुपीज 56.25/8।450.00 Now D part. Anji D part में वैभव मेरो था। Yes ma'am. वैभव जी। Yes ma'am. 142 और डेसिमल हटा के 25 इसके साथ ही लिख देंगे। 8 से मल्टीप्लाई करना है। चलो बेटा बताओ जल्दी से, अपने आप बोलना आपको। ओके मैम। फटाफट बोलो मैम। 8 5 जा 40। कैरी विल बी 4 मैम। 8 2 जा 16 17 18 19 20 का फिर से 0 कैरी विल बी 2 मैम। 2 8 2 जा 16 मैम। 8 2 जा 16 16 एंड 2 मैम। 16 एंड 2 मैम 18 18 का 8 यहां लिखेंगे कैरी विल बी मैम 1 8 4 जा मैम। 8 4 जा यस
मैम 32 32 एंड 1 मैम 33 33 का 3 आप यहां लिख देंगे एंड 3 विल बी कैरी 8 1 जा मैम 8 1 जा 8 8 में 3 ऐड करो मैम 12 8 एंड 3 नो मैम 11 एंड द आंसर विल बी रुपीस रुपीस मैम 3 3 हां मैम 3 पॉइंट मैम 0 0 0 एम आई राइट और रॉन्ग कुछ बच्चे इतना लेट ज्वाइन कर रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मतलब तुम्हारा कोई टाइम टेबल तुमको पता है क्या 1:30 बजे रोज क्लास होती है आपकी 1:30 पे मेरी इससे पहले कंटिन्यूअसली क्लास रहती है बेटा तो कई बार क्या होता है कि 5-10 मिनट लेट हो जाता है एक्सप्लेन करते करते यहाँ पे सामने घड़ी नहीं चलती है हर समय हम पढ़ाने में ध्यान रहता है घड़ी पे ध्यान नहीं रहता है तो टाइम इसलिए एक्सटेंड हो जाता है आप लोग तो रेडी रहा करो इतना लेट आते हो बीच में पता नहीं कहाँ रह जाते हो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग द कॉस्ट ऑफ अ बस टिकट इज ₹45.30 इफ टू पीपल बाय द टिकट हाउ मच विल दे पे अगर एक बस का टिकट 45 रुपीज 30 पैसे का आता है और दो लोगों को टिकट खरीदना है बस का तो वो कितने का आएगा तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में हु विल टेल मी यस यस राघव बताओ yes. क्या करेंगे भाई yes. क्या करेंगे yes. समझ में नहीं आया भाई yes. प्लस करेंगे मैम राघव बोल रहा है प्लस हाँ राघव कैसे प्लस करेंगे किसको किसमें बताओ तो मैम हाँ हाँ बोलो मैम 45 और 30 चाहे 45 तो 55 चाहिए हाँ ये आपने बहुत बढ़िया बताया कि अगर हमारे को दो टिकट लेनी है एक टिकट को दूसरे टिकट से हम ऐड कर देंगे उसी को उसी में चलो ठीक है राघव ये तो अच्छा बताया लेकिन अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि मैं मेरी मम्मी पापा और मेरे भैया भाभी हैं वो सब जने जाएंगे भाई पिकनिक पे और 15 लोग जाएंगे तो अब क्या करोगे तुम एक टिकट का वैल्यू आपको बता दिया 15 टिकट कितने के आएंगे क्या करोगे राघव क्या सुनते नहीं हो क्या ये बच्चा कौन है रूबल गर्ग यू टेल मी मैम मल्टीप्लाई करेंगे उत्कर्ष धाकड़ यस मैम क्या बता पाओगे अगर मुझे 15 टिकट खरीदने हैं और एक टिकट आया है रुपीज 45.35 का और 15 टिकट कितने के आएंगे भाई क्या करेंगे मैम 15 मल्टीप्लाई बाय 45.35 ठीक है इस नंबर को हमें क्या नाम से राघव आपने जो आंसर दिया था वो भी काफी हद तक सही था कि उसी में उसी नंबर को ऐड कर देंगे दो टिकट आ जाएंगे हमारी लेकिन अगर हमें एक बड़ा नंबर अमाउंट दे दिया जाता है ठीक है मुझे मैं आपकी टीचर हूँ मुझे बोला है बच्चों को पिकनिक लेके जाना है और बस वाले भैया से बात हुई एक टिकट का कॉस्ट पड़ रहा है ₹245 ठीक है समझ लो मान लो इतना रुपया एक बच्चे का टिकट पड़ रहा है तो मुझे अपनी क्लास के 32 स्टूडेंट्स को पिकनिक पे ले जाना है तो 32 टिकट कितने के आएंगे राघव ऐसे में क्या मैं इसको 35 टाइम्स प्लस करूंगी नो मैम हाँ तो हम क्या करेंगे इसको 35 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ठीक है ऐसे क्वेश्चंस में अच्छा चलो एक चीज और बताओ मान लो एक बुक ये जो आपकी बुक है इसकी कॉस्ट आपकी है ₹395 पीछे लिखी हुई है आपकी कुछ और कॉस्ट होगी मेरी पिछले साल वाली है इसलिए 395 है ठीक है मेरी क्लास में 32 स्टूडेंट्स हैं लेकिन प्रिंसिपल मैम ने कहा कुछ नए एडमिशन आ सकते हैं शक्ति इसलिए तुम है ना 40 बुक्स मंगवा लो ठीक है तो मैंने 40 बुक्स का ऑर्डर दिया है अब 40 बुक्स कितने की आएंगी अगर एक बुक की कॉस्ट 395 है और 40 बुक्स कितने की आएंगी क्या करेंगे सबसे मल्टीप्लाई गीतांजलि कैन यू आंसर
यस मैम। यस बेटा बता दो। मैम मल्टीप्लाई। वेरी गुड। एक नंबर की अगर हमको कॉस्ट दी जाती है और दूसरे का ये पूछा जाता है कि भाई इतनी सारी चीजें कितनी गेंगी, मैम अगर हम इतना प्लस करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। हाँ, तो ऐसे में हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। एक चीज की कॉस्ट दे दे और बहुत सारों की पूछ लें। ये एक पेन 10 रुपए का आता है, मुझे 100 पेन खरीदने हैं, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है। सो हियर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप इसको स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? इसकी स्टेटमेंट बताने के लिए मुझे बताएंगे कहाँ गई देवांगी, बताएंगे स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑफ अ बस टिकट। अरे प्लीज माइक ऑफ देवांगी, माइक ऑफ। ओह माय गॉड, देवांगी माइक बहुत आवाज कर रहे हैं। चलो गुंजन से लेते हैं। गुंजन भाई कैमरा ऑन कर लिया करो, गुंजन थोड़ा दिख जाओ मुझे तुम। माइक कैमरा दोनों चीजें ऑन कर लीजिए। एक बस की टिकट की कॉस्ट है ₹45.30। तो हम लिखेंगे, गुंजन बोल ही नहीं रही है, कॉस्ट ऑफ टू टिकट्स। दो टिकट कितने की आएंगी भाई? गुंजन नहीं बताएंगे। गुंजन चलिए कोई बात नहीं। वैभव मैराथन आंसर दीजिए। 2 0s are 0, 2 3s are 2, 6, 2 5s are 2, 5s are 10, 10 की 0 कैरी विल बी 1, 2 4s are 8, 8 4s are 9। अब बताओ डेसिमल कहाँ लगेगा? जल्दी बोलो भाई, राइट हैंड साइड से 2 नंबर छोड़ के है ना, तो आप भी यहाँ से 2 नंबर छोड़ के यहाँ लगा दोगे। ठीक है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अरे तो बुक में ही है, तो बुक में भी कर लेना, कॉपी में भी कर लेना। ठीक है। बी पार्ट है, मोहन बॉट 5 पेंस for ₹65। अब देखिए आपको ये इन चीजों में डिफरेंस समझना है। जो बच्चे लिखने में बिजी हैं थोड़ा सा देख लीजिए। रुबल जी, मोहन ने 5 पेन खरीदे हैं जो कि आए हैं ₹65 के। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ ईच पेन? एक पेन की कॉस्ट पूछिए। अभी जो हमने क्वेश्चंस करे उसमें आपको बताया था कि एक टिकट अगर इतने रुपए का है तो 14 टिकट कितने के आएंगे, 20 कितने के आएंगे, एक बुक की कॉस्ट इतनी है तो 32 बुक कितने के आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा, जब भी अमाउंट हमारा बढ़ता है, भाई एक बुक 300 रुपए की है मान लो, 300 की, तो 32 बुक्स तो ऑब्वियसली ज्यादा की आएंगी ना। तो जब भी हमें एक बता के ज्यादा का पूछें तो आप मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर आपको ज्यादा का अमाउंट बता दें, 100 किताबें आती हैं ₹1000 की, ठीक है, तो एक किताब कितने की आएगी, 1 की कॉस्ट पूछें तो आप हमेशा डिवाइड करेंगे। ठीक है। मोहन बॉट 5 पेंस for ₹65, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ 5 पेंस इज इक्वल टू ₹65, और फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच पेन। एक पेन की कॉस्ट कितनी आएगी, तो क्या करेंगे, ₹65/5। ठीक है, 65 को 5 से डिवाइड करना है। यहाँ लिखेंगे आप 65 और यहाँ लिखेंगे 5। यस, जिसको डिवाइड नहीं आती है दोबारा से रिवीजन का मौका है, देख लीजिएगा। 5 के टेबल को ऐसा बोलो जो या तो 6 आ जाए या उससे पीछे पीछे आ जाए। भाई 5 1s are 5 और 5 2s are 10, तो 10 जो है वो 6 से बड़ा नंबर हो जाता है, इसलिए हम 5 1s are 5 ही लेंगे। 1s आप यहाँ लिखेंगे, 5 1s are 5 आप यहाँ लिखेंगे। ये नंबर हमें, देवांगी प्लीज मैं कर लो, थैंक यू, ये नंबर हमेशा इससे छोटा ही होना चाहिए, 6 में से 5। अब आप लाइन लगाएंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया आपका 1। ठीक है। अब एरो लगा के नेक्स्ट नंबर ले लेंगे हम 5। 5 का टेबल ऐसा बोलो जो 15 तक हो या उससे कम हो,
तो 5 3 15 होते हैं, तो 3 आप यहाँ लिखेंगे और 15 आप इसके नीचे लिखोगे, फिर से लाइन लगाएंगे और अब की बार हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में 15 गए 0 एंड द आंसर इज योर रिमाइंडर इज 13। ठीक है, सो द कॉस्ट ऑफ ईच फैन क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच इज इक्वल टू 13 रुपीज, 13 रुपए का एक पेन पड़ेगा। ठीक है, और 5 पेन कितने के थे, 65 के। अगर आपसे ये क्वेश्चन उल्टा करके पूछ लेते, एक पेन 13 का है तो 5 पेन कितने के आएंगे, तो 13 5 65। डन, हो गया काम, इस काम को कर लीजिए। क्वेश्चन सी डी और ई और एफ, ये 4 क्वेश्चन और ही हम कल करेंगे। आज आप एक काम करोगे, 2 क्वेश्चन ये करने हैं आपको, और क्वेश्चन नंबर 1 भी कॉपी में करना है। ठीक है, और लेट अस रिकॉल के ये जो पॉइंट्स हैं येलो बॉक्स में लिखे हैं, ये आपको यू हैव टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स इन योर कॉपी। ठीक है, मैम आपने जो 13 लिखा है ना, है मैम आपने जो 13 बोला था, आपको रिमाइंडर था, रिमाइंडर तो, हाँ रिमाइंडर, सॉरी ये क्वेश्चन आया है 13, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, क्वेश्चन 13 और रिमाइंडर आया आपका 0, वेरी नाइस, थैंक यू, फिर नीचे आ जाएगी, बाय एवरीवन, बाय बाय।